हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज PSVM मनिहारी स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों को कुछ मैथ की जो बेस की बातें हैं वो पार्ट टू के क्रम में करके बताने जा रहे हैं। पार्ट वन का वीडियो आप लोगों को मिल गई होगी। आइए पार्ट टू के बारे में हम बात करते हैं। जो सामान्य मैथ है, बेसिक मैथ, उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं और बताते हैं। यहाँ देखते आप लोग हैं, यहाँ लिखा गया है अधिवर्ष या लीप वर्ष, यानी हम लीप वर्ष भी कहेंगे चाहे अधिवर्ष कहेंगे तो बात बराबर है। लीप वर्ष हो या अधिवर्ष हो, 366 दिन होते हैं लीप वर्ष या अधिवर्ष में। लीप वर्ष को छोड़कर अन्य दिनों की बात करें तो 365 दिन का एक वर्ष होता है और अधिवर्ष में जिस समय लीप वर्ष होता है यानी अधिवर्ष होता है उसमें फरवरी फेब्रुवरी मंथ यानी फरवरी जो महीना होता है 29 या 29 डे का होता है और अधिवर्ष वाले फरवरी को छोड़कर बात करें तो अन्य दिनों में अन्य महीनों में फरवरी मंथ 28 दिन यानी 28 डे का होता है। एक दिन में 24 आवर्स होते हैं या फिर 24 आवर्स में एक दिन होते हैं, बात बराबर है। 60 मिनट का एक घंटा होता है या फिर यूं कहें एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो 60 सेकेंड में 1 मिनट होता है। ये आपका बेस। आइए अब इस पर कुछ और चर्चा करते हैं। यहाँ क्लास 3-4 के लिए होमवर्क साइड में दिया गया है, 5-6 के लोगों के लिए होमवर्क यहाँ साइड में दिया गया है। आइए आगे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन, किन्हीं 5 लीप वर्ष को लिखें। लीप वर्ष क्या होता है? अभी हमने बताया लीप वर्ष जब होता है तो 366 दिन का होता है। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। क्वेश्चन अब यह है, हम कैसे समझेंगे यह लीप वर्ष है यह लीप वर्ष नहीं है? तो प्रश्न सीधा है। आइए बात करते हैं। जैसे यह सन चल रहा है 2020, सन है 2020। यदि हम किसी सन में 4 से डिवाइड करते हैं और 4 से डिवाइड करने के बाद ये डिवाइड हो जाता है, कोई शेष नहीं बचता है, तो हम कहते हैं कि वह साल, वह ईयर, ये में जो फरवरी मंथ होगा 29 दिन का होगा। जैसे आइए 4 से इसको हम डिवाइड करते हैं, 4 5 20, ये हुआ ऊपर 17 2 नहीं जाएगा 0, ऊपर 17 0 और 4 से इसमें डिवाइड करेंगे और यहाँ पर 20 होगा और यहाँ 5 बार हो जाएगा। तो सन 2020 जो अभी चल रहा है और पूरे लाइफ में कोरोना महामारी वाला सत्र के रूप में इसे जाना जाएगा, तो 4 से हम डिवाइड किए इस 2020 को तो 4 से डिवाइड हो गया। जो सन 4 से डिवाइड हो जाता है हम कहते हैं उस सन का फरवरी मंथ 29 डे यानी 29 दिन का होगा। अब 2021 जब सन आएगा इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, यानी सन 2021 जब आएगा तो
वह सन 4 से डिवाइड नहीं होगा, इससे सन 2021 का फरवरी महीना 28 दिन का होगा। तो जिस सन में 4 से भागा लग जाता है वह सन लीप वर्ष या अधिवर्ष के नाम से जाना जाता है। जिस सन में 4 का भाग नहीं लगता है, जो सन 4 से डिवाइड नहीं हो पाता है, शेष बच जाता है, वह सन लीप वर्ष या अधिवर्ष नहीं कहलाता है। अब जब लीप वर्ष यानी 4 से डिवाइड हो गया, वह लीप वर्ष हुआ यानी उस साल 366 दिन का साल या वर्ष होगा, और जिसमें 4 से डिवाइड जो सन नहीं होगा उस साल एक साल 365 दिन का होता है। आइए आगे बात करते हैं। मैं समझता हूँ समझ गए होंगे कि 28 दिन कैसे होता है फरवरी में, कोई फरवरी 28 दिन का क्यों हो जाता है, फिर कोई फरवरी 29 दिन का क्यों हो जाता है, ये 4 से डिवाइड करके जानने का प्रश्न है। अब आगे बात करते हैं कि इन्हीं 5 लीप वर्ष को लिखें, 5 लीप वर्ष हो या 5-6 के क्वेश्चन में 10 लीप वर्ष की बात है, तो लीप वर्ष चेक कीजिए इसमें 4 से जो सन डिवाइड हो जाए। आइए हम ऐसे बात करते हैं, अब इधर कीजिए 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, यहाँ 2 0 2 0 2 0 ऐसे करते चले जाइए। इसके ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर एट कर दीजिए, ऊपर चलेंगे तो 4 कर दीजिए, यानी कहने का मेरा मतलब यह है लास्ट के टेबल बच्चे करेंगे 4 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
आएगा वह लीप वर्ष होगा, यानी 366 दिन का होगा। अभी 2020 में फरवरी महीना 29 दिन का तो हो गया, लेकिन जब 2024 आएगा तब फरवरी महीना 29 दिन का होगा, उसके बाद 2024 के बाद 2025, 2026, 2027 लीप वर्ष नहीं है। तीसरे में आइए आगे बात करते हैं, अब किन्हीं पांच वर्ष को लिखें जो लीप वर्ष न हो, यानी जो संचार से विभाजित नहीं होगा वो लीप वर्ष नहीं है। चार अधिवर्ष में अधिवर्ष कहें या फिर लीप वर्ष कहें, बात तो बराबर है। तो चार अधिवर्ष या लीप वर्ष में कुल कितने दिन होंगे? तो एक अधिवर्ष या लीप वर्ष में 366 दिन, तो उसमें चार अधिवर्ष पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई 4 कर देंगे, चार साल में कितने वो दिन होंगे निकल जाएंगे। पांच दिन में कुल कितने घंटे होंगे? पांच दिन में कुल कितने घंटे, यह पता है। एक दिन में एक दिन का मतलब दिन रात दोनों से होता है, तो एक दिन में 24 घंटे हुए, दो दिन में 24 मल्टीप्लाई 2। अब पांच दिन में पूछा जा रहा है तो 5 डे मल्टीप्लाई 24, यानी 5 × 24 बराबर आपका पांच दिन में कुल घंटा निकल जाएगा। क्योंकि एक दिन में जब 24 घंटे होते हैं तो पांच दिन में जाने के लिए 24 × 5 कर देंगे, ऐसा निकल जाएगा 300 सेकेंड में कुल कितने मिनट होंगे, 300 सेकेंड में कुल कितने मिनट होंगे। तो 60 सेकेंड में हमारा एक मिनट होता है, तो 60 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो मिनट निकल जाएगा 60। अब कोई पूछे कि 60 सेकेंड में कितने मिनट, एक मिनट। 120 सेकेंड में कितने मिनट, दो मिनट। 180 सेकेंड में कितने मिनट, तीन मिनट। तो इस सेकेंड में यदि हम 60 से डिवाइड कर देंगे
तो मिनट निकल जाएगा। एक सप्ताह में कुल कितने घंटे होंगे? एक सप्ताह में कितने घंटे? एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, इस बात की जानकारी आप लोगों को होगी। तो एक सप्ताह में कुल कितने घंटे? एक दिन में जब 24 आवर्स यानी 24 घंटे होते हैं, 2 दिन में 24 × 2, 3 दिन में 24 × 3। जब एक सप्ताह में कह रहा है तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और एक दिन में कितने घंटे? 24 घंटे। तो 7 दिन में 7 × 24 बराबर एक सप्ताह में या 7 दिन में कितने घंटे होंगे पता चल जाएगा जब मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 लीप वर्ष का उदाहरण दे, लीप वर्ष जो 4 से डिवाइड हो जाए तो लास्ट के अंक जब 4 का जब पहाड़ टेबल के रूप में लिखेंगे स्पष्ट है कि वह कट जाएगा। इसके ऊपर भी चल जाएंगे, 2004 है तो ऊपर बढ़िए 2000, फिर 1996 ऐसे करके ऊपर भी चले जा सकते हैं या नीचे भी आ जाएंगे। तो लीप वर्ष देख लेंगे तो 4 से डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की बात, 600 मिनट में कुल कितने घंटे होंगे? 600 मिनट में कुल कितने घंटे होंगे यह पता है आप लोगों को है, 60 मिनट में 1 घंटा होता है। तो 600 मिनट को 600 मिनट बाई 60 कर देंगे तो अब इसका इसमें हम डिवाइड करेंगे, जितना बार जाएगा उतना घंटा हो जाएगा। जैसे 60 मिनट में 1 घंटा होता है, 120 मिनट में 2 घंटा होता है, 180 मिनट में 3 घंटा होता है, 240 मिनट में 4 घंटा होता है। तो कैसे जाने, इसमें डिवाइड कर दीजिए घंटा निकल जाएगा। 1 घंटा को सेकेंड में बदलें, हम बता दें आप लोगों को 1 घंटे को सेकेंड में बदलना है तो आप लोग इसको देख करके हल कर लेंगे। क्योंकि 1 घंटा को सेकेंड में बदलना है और 1 घंटा में होता है 60 मिनट तो 60 × 60 कर देंगे तो सेकेंड निकल जाएगा। वैसे महीनों के नाम लिखें जिसमें 31 दिन होते हैं, तो जो 12 मंथ होते हैं ईयर्स के, उनमें चेक करना है कौन कौन महीने 31 दिन के होते हैं और कौन कौन महीने 30 दिन के होते हैं। तो 31 दिन में जो मंथ आता है उसको नोट कर देंगे बाई क्रम से। 240 घंटे में कुल कितने दिन होंगे? 240 घंटे में कुल कितने दिन? तो एक दिन में जब होता है 24 घंटा तो 240 घंटा में कितना दिन? तो एक दिन में जब 24 घंटा जब 24 का इसमें जब भागा कर देंगे डिवाइड कर देंगे तो कितना दिन होगा निकल जाएगा। जैसे कोई कहे 48 दिन में कितने, 48 घंटे में कितने दिन होंगे, तो क्या करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। 3 घंटे में कुल कितने सेकेंड होंगे? 1 घंटे में जब आपको बता दें 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं, तो 3 घंटे में जानने के लिए 3600 × 3 कर दीजिएगा, इसका भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये तमाम तरह के जो बेस की बातें हैं ये 3-4 वाले इस क्वेश्चन के आधार पर सॉल्व करेंगे, 5-6 वाले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद होमवर्क बना करके विथ राइटिंग इस व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे। अगला वीडियो हमेशा कोई कोई जारी होता रहेगा। वैसे स्टूडेंट जो नवोदय सैनिक पढ़ते हों या नहीं भी पढ़ते हों उन्हें भी इस तमाम तरह के मैथ्स को हल करना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए।